अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी न्यू स्टाइल में डिज़र्ट। बहुत अच्छी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा और आप खुद देखिएगा। बहुत डिफरेंट स्टाइल में मैं आपको सिखाऊंगी। उसके लिए मैंने ये देखिए दूध बॉयल हो गया है, 1.5 किलो मैंने दूध लिया था, इसको मैंने चीनी डाल के बॉयल कर लिया है। अब मैंने 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर के लिए है और सादे दूध के अंदर इसको मैंने घोल लिया था, अब वो मैं इसके अंदर डालती जाऊंगी और हिलाती जाऊंगी। पहले हम इसका कस्टर्ड रेडी कर लेंगे। कस्टर्ड में जो भी फ्लेवर आप लोगों को पसंद हो आप लोग वो ले लीजिएगा। मैंने वनीला लिया है और इसको हमें ज़्यादा गाढ़ा रखना है, बहुत पतला नहीं रखना। ये देखिए कस्टर्ड मैंने डाला था, अब मैं थोड़ा सा और डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके मैं डालती जाऊंगी। 4 चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर के लिए थे 1.5 किलो दूध के अंदर, इसको मैं इसी तरह हिला लूंगी और इसको मैं 5 से 7 मिनट तक इसको मैं पकाऊंगी। ये देखिए कस्टर्ड जब तक पक रहा है, मैं अब आपको दूसरी चीज़ बताती हूँ। ये देखिए ये मैंने खोया रेडी कर लिया है। खोए की रेसिपी मैं आप लोग गुलाब जामुन जो मैंने सिखाए हैं उसमें मैंने दी हुई है। वो खोया ही हम इस तरह रेडी कर लेंगे, लेकिन हमने इसको बिल्कुल ड्राई कर लिया था, इसे हमें ड्राई नहीं करना है। ये देखिए इस तरह की कंडीशन वो इसकी थिकनेस होनी चाहिए। और इसके साथ ही हमने ले ली है फ्रेश क्रीम और ये ब्रेड के पीसेस है, ठीक है। अब ये फ्रेश क्रीम मैं इस खोए के अंदर डाल दूंगी। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। ये देखिए ये बिल्कुल खोया और हमारा ये क्रीम को मैंने बैटर बना लिया है। अब ये ब्रेड है और ये बाउल ले लिया है मैंने, जिसमें मैं इसको सर्व करूँगी। अब मैं इसी ब्रेड के अंदर ये डालूँगी और इसी को मैं दूसरी ब्रेड से कवर कर दूँगी। इसी तरह मैं दूसरा भी डालूँगी। सो मुझे भर के डालना है। ये देखिए इसी को मैं इसी तरह कर लूँगी। ये देखिए मैंने इसके अंदर लगा लिया था, अब मैं इनके 4 पीस कर लूँगी। तो बिल्कुल आराम से काटना है। देखिए इसी तरह मैं लंबाई में पीस कर लूँगी, सही सैंडविच हो जाएगा। और इसी तरीके से मैं इसके बराबर बराबर रखती जाऊँगी। ये देखिए इसी तरह ही मैं इसको कटिंग करती ही जाऊँगी। आराम से काटना है, ज़ोर से दबा के काटेंगे तो ये देखिए अंदर से जो फिलिंग हमने की है वो निकल जाएगी। इसी तरह मैं ये देखिए कस्टर्ड रेडी हो चुका है। इसकी थिकनेस आप लोग देखें और कस्टर्ड को हमें इसके अंदर गर्मा गर्म डालना है। बिल्कुल गरम गरम हमें ये कस्टर्ड डालेंगे इसके अंदर। हमने दूसरी तेवी लगा दी है ब्रेड की, इसी तरह ही मैं कस्टर्ड को डाल दूंगी। कस्टर्ड हम इसमें गरम ही डालेंगे ताकि ये हमारी ब्रेड जो है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। देखिए इसी तरीके से मैं इसी तरीके से ये हो के अब मैं इसको
इसके ऊपर मैं डाल दूंगी ये वाइट चॉकलेट जो थी वो डाली है मैंने, इसके ऊपर ऐसे क्रश कर दूंगी। और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए इसको रख दूंगी। ये देखिए मैंने बादाम लगा दी हैं, इसको मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था, बहुत ठंडा ठंडा हो गया है ये। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पे, अल्लाह हाफिज़।